अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो इस दफ़ा चेंज हो रहा है पैटर्न, तो उन्होंने शाम को ही ये अपलोड कर दिए हैं पेपर। अब बच्चों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि पहले तो होता था कि बच्चों के मार्क्स लग जाते थे प्रैक्टिकल्स में, लेकिन अब क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो भी थ्योरी बेस्ड होगा, मतलब होगा प्रैक्टिकली लेकिन लैब में नहीं होगा। जिस तरह आप आम पेपर देते थे उसी तरह वो पेपर भी होगा। अब उन्होंने ये पैटर्न भी दे दिया है, जिस तरह मैं अगर आपको कंप्यूटर की बात करूं तो ये भी 60 मिनट का पेपर होगा, यानी एक घंटे का आपका ये पेपर है। मार्क्स इसके 25 होंगे। जिस तरह इसमें ये उसी तरह देखें, ई शीट में ये पेपर होगा, जिस तरह आप ये देख रहे, इसी तरह इन्होंने पैटर्न दे दिया है। और पहले होता था कि नोटबुक्स वगैरह के 5 मार्क्स होते थे, अब वो भी चीज़ नहीं है, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब आपने सिर्फ लैब में प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छी तरह प्रैक्टिकल करेंगे। वो जो पहले किसी की फ़ोन आ गया, नंबर लग गए, या टीचर ने खुद हेल्प कर दी, जो इंटरनल टीचर होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल में मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी ऐसा आपने हाल में पेपर देना है बैठ के। उस तरह पेपर नहीं देना कि लैब में आए, टीचर आया, टीचर ने लिखवाया, उसको खाना खिलाया एग्जामिनर को और मार्क्स लग गए। तो अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है, तो आपने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ बहुत अहम, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, कि चॉइस जो है वो ख़त्म कर दी है बोर्ड वालों ने। जो थ्योरी के पेपर में पहले चॉइस होती थी कि 15 क्वेश्चन है आपने 12 करने हैं, वो चॉइस ख़त्म कर दी है। अब आप जिस तरह ये देखें, अब इनकी चॉइस अगर होगी भी तो इस तरह होगी कि 2 क्वेश्चन के बीच में आर लिखा होगा, उस तरह अलहदा से चॉइस नहीं होगी। और इसने सेक्शन बी के मार्क्स भी ज़्यादा कर दिए, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के और लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स भी कम कर दिए और एमसीक्यूज भी कम कर दिए। तो अब आपने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, अदरवाइज़ वो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं ना, मार्क्स अच्छे बन जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी प्रेडिक्शन भी आपने देखा सच्ची साबित होगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर फिर भी कोई मसला या कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिसी को आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई लाजमी दूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। आपका अपना वकास अहमद।